हे गाइस, दिस इज़ रोहित एंड यू आर वॉचिंग एडिट्स बाय रोहित। तो आज हम करने वाले हैं इस म्यूज़िक पर वीडियो एडिटिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से वी एन ऐप को ओपन कर लेंगे। तो ये रहा वी एन ऐप, अब हम इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद हम यहाँ से बहुत सारे फ़ोटो और कुछ वीडियो को ऐड कर लेंगे। तो फोटो वीडियो सेलेक्ट हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर जो एरो मार्क है उस पर क्लिक करेंगे तो हर एक फ़ोटो वीडियो ऐड हो जाएगा। तो हमने जो वीडियो ऐड किया था वो एकदम लास्ट पर चला गया। अब हम इसको थोड़ा फास्ट पर ले आएंगे, तो हम इसको प्रेस करके सामने की तरह ले जाएंगे तो ये फास्ट पर आ जाएगा। उसके बाद इस वीडियो पर कोई और म्यूज़िक है तो अब हम उस म्यूज़िक को साइलेंट कर देंगे और एक नया म्यूज़िक ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर वॉल्यूम पर जाना है और म्यूज़िक को एकदम ज़ीरो कर देना है। तो ये रहा वॉल्यूम का ऑप्शन, अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है और वीडियो की वॉल्यूम को ज़ीरो करना है। फिर हम यहां से एक नए म्यूज़िक को यहां पर ऐड कर देंगे। फिर हमें यहां पर बीट की ग्राफ को अच्छे से नोटिस करना है और जहां ग्राफ एकदम लो हो रहा है वहां से हम वीडियो या फ़ोटो को कट कर देंगे और जहां से ग्राफ हाई हो रहा है वहां से एक नए वीडियो या फ़ोटो को ऐड करेंगे। तो ऐसे हमें बीट के साथ हर एक फ़ोटो और वीडियो को मैच कर लेना है। तो यहाँ पर म्यूज़िक के टाइम से ज़्यादा वीडियो के टाइम है तो अब हम बाकी जो वीडियो है उसको कट कर देंगे। तो वीडियो को अच्छे से बीट के साथ मैच करने के बाद अब हमें वीडियो पर इफ़ेक्ट ऐड करना है। इसके लिए हमें वीडियो पर क्लिक करना है और इफ़ेक्ट पर जाना है और यहाँ पर हम जूम आउट इफ़ेक्ट को ऐड कर लेंगे हर एक वीडियो पर। तो यह हमारा दूसरा वीडियो क्लिप है, अब हम उस पर भी जूम आउट इफ़ेक्ट को ऐड कर लेंगे। तो वीडियो पर जूम आउट इफेक्ट ऐड हो जाने के बाद अब हम पहले का कुछ फ़ोटो पर जूम आउट इफेक्ट ऐड कर लेंगे और फिर मिडिल का कुछ फ़ोटो में और एक इफेक्ट और एकदम लास्ट का फ़ोटो में और एक इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो इफेक्ट को ऐड कर लेने के लिए हमें यहाँ पर फ़ोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर जूम ऑप्शन पर जाना है और जूम आउट इफेक्ट को ऐड कर देना है। ऐसे ही हम यहाँ पर कुछ फ़ोटो पर ये इफेक्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर म्यूज़िक ख़त्म होने से पहले ही फ़ोटो ख़त्म हो गया। तो इसके लिए हम फ़ोटो के टाइमलाइन का एकदम लेफ्ट साइड पर जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करेंगे और कुछ फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। तो
यहाँ पर हमें फिर से और कुछ फ़ोटो को ऐड कर लेना है। तो फोटो ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर दो फोटो के बीच पर जो प्लस आइकन है उस पर क्लिक करना है और हमें यहाँ पर जूम आउट इफेक्ट को हर एक फ़ोटो पर ऐड कर देना है। हमने यहाँ पर पहले जूम इन इफेक्ट ऐड कर लिया था लेकिन वो गलत हो गया, हमें जूम आउट इफेक्ट को ऐड कर लेना है। का राइट साइड पर जो एक्सपोर्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और हम वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और ऐसे ही एडिटिंग सीखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।